दोस्तों आपको बता दें, भारत में दूध और दही का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बात अगर रात को सोने से पहले पिए जाने वाली दूध की करी जाए या सुबह नाश्ते में दही के खाने की, ये दोनों ही आपकी डाइट का एक बेहद अहम हिस्सा है। इन दोनों डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हमेशा हेल्दी रहे, तो आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें आप कुछ खास सामान को शामिल करके अपनी किडनी को सेहतमंद रख सकते हैं। नमस्कार, कर्मायुर्वेदा के YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां आप किडनी की बीमारी और इसके आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी सभी जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हरा धनिया और उससे किडनी को होने वाले लाभ के बारे में। दरअसल डाइट में सही बदलाव और कुछ हर्ब्स की मदद से आप किडनी स्टोन और किडनी संबंधित अन्य बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। आपको बता दें कि हमने एक नया 48 घंटे का चैलेंज शुरू किया है, जिसमें आप अपने सवाल को अपने नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमारी टीम 48 घंटों के अंदर आपके सवालों के जवाब आपको खुद देगी। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दूध और दही आपकी सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद है। साथ ही ये भी जानेंगे कि दूध और दही का सेवन किडनी रोगियों के लिए अच्छा है या नहीं। दोस्तों, बाजार में कई तरह के दूध और दही मिल जाते हैं। काउ मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, टोंड मिल्क, सोया मिल्क, एलमोंड मिल्क और ना जाने क्या क्या। इसी तरह से कई तरह के दही भी मिल जाते हैं। फ्लेवर वाला दही, स्वीटेंड दही, फ्रूट कर्ड आदि। आप इनमें से कोई भी अपने स्वाद के अनुसार खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आपके लिए कई तरह से लाभदायक होते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो आपकी हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा दूध में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज होती हैं, जिससे आपको सही मात्रा में एनर्जी मिलती है। आपको बता दें कि दूध के मुकाबले दही को पचाना आसान होता है और दही आपके शरीर को कई तरह से पोषित करता है। इसमें मौजूद विटामिन बी, प्रोटीन, गुड बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और आपकी किडनी को हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप दही और दूध के कंजप्शन को लिमिटेड ही रखें और ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, नहीं तो ये आपकी किडनी को ख़राब कर सकते हैं। एक किडनी पेशेंट को डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा सेवन मना होता है। दरअसल किडनी पेशेंट एक दिन में केवल आधा कटोरी दही का सेवन कर सकते हैं और दूध का सेवन सीधे तौर पर करने की मनाही होती है। वे या तो चाय में या किसी और चीज़ के साथ थोड़ा सा दूध ले सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके रीनल डाइट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप किडनी पेशेंट हैं या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप अपनी डाइट में किसी भी तरह के बदलाव करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों, कल हम आपके लिए एक और खास वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हम नीम के पत्ते और उसके उपयोग से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। साथ ही अगर आप किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या किडनी डाइट से रिलेटेड कोई एडवाइस लेना चाहते हैं और डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आज ही कर्मायुर्वेदा में संपर्क करें। क्योंकि कर्मायुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कर्मायुर्वेदा का पता, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। देखिए, कर्मायुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है मरीज का? रोशन खातून। कहाँ का रहने वाला है? बिहार के रहने वाला, सीतामढ़ी। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी? उस तरह आए थे तो बहुत दिक्कत हो रहा था, पूरा बदन फूल जाता था, पेट में तकलीफ था, पूरा बदन शरीर दर्द था, चल नहीं पेट हकाते थे। अच्छा। हाँ, जब से दवा चालू किया तब से बहुत अच्छा थोड़ा रिजल्ट आ रहा है। क्या क्या फर्क है? हर चीज़ में फर्क है, मतलब खाने में, पीने में, हर चीज़ में खा रहे, पी रहे, मतलब कोई ऐसी तकलीफ नहीं, चल फिर रहे, हर चीज़ कर रहे, समझे? बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, बहुत फर्क है। साइंटिफिक डायग्नोस्टिक से टेस्ट हुआ है, पहले इनका क्रिएटिनिन 4.5 था, वो अभी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं, 3.18 हुआ उसके बाद 19 फरवरी को क्रिएटिनिन, और इनका जो फॉस्फोरस था वो 5 के अप्रॉक्सीमेट था, और अभी जो इन्होंने टेस्ट कराया है वो 5 से 3 हुआ, 3 से लेके इनका 2.64 हो गया क्रिएटिनिन, और फॉस्फोरस भी रिड्यूस हुआ इनका, यानी कि 2 के आसपास ये क्रिएटिनिन आ चुका है, मात्र और मात्र दो महीना के अंदर। खाने पीने का इन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो करी और चेंजेस बहुत अच्छे आए थे। तो रोशन खातून जी, हाँ बोलिए सर, जो आपकी वाइफ हैं, हाँ वाइफ, पहले से तो स्वस्थ हैं उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ। सूजन वगैरह पहले बहुत थी? बहुत ज़्यादा था, अभी है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे फूल जाता है कभी कभी। अच्छा,
ज्यादा चल उल लेते ना, कभी बाजार बाजार जाना इधर उधर, तो इसके लिए बाकी बहुत पहले से आराम। स्टॉप किडनी डायलिसिस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ध्यान रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोज़ के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।